नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर पानी को लेकर बहुत हाहाकार मचा हुआ है। इतना हाहाकार है, पूरी दिल्ली परेशान है। दिल्ली के अंदर खास तौर पे वो लोग जिन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों के चलते अरविंद केजरीवाल को भर भर के वोट दिए थे, वो लोग आज टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। रोज उन्हें अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के टैंकर मंगाने पड़ते हैं, और पानी के टैंकरों का रेट 1500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो गया है दिल्ली का। अगर आपको तुरंत फुरंत चाहिए तो इतना पैसा देना पड़ेगा। आखिर ये टैंकर कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये लोग? ये टैंकर माफिया है, यही टैंकर माफिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतना हल्ला मचने के बाद आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों दिल्ली के पास पानी नहीं है? ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन चलिए, आज बहुत खोजबीन के बाद आज हम आपको बताते हैं कि ये सारा झंझट असल में हुआ क्यों। ये जो दिल्ली का बेटा आप लेके आए थे ना, अरविंद केजरीवाल, ये हर चीज के अंदर कमीशन ढूंढते, हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार ढूंढते हैं। ठेका तब देंगे जब तुम हमें इतना दोगे, एक तो मंत्री को दो, दूसरा पार्टी के फंड में दो, तीसरा केजरीवाल को भी दो। अब ये चार चार पांच पांच जगह जब बंदर बांट होती है माल की, तो उसमें काम कहीं दूर दूर छूट जाता है। जो जनता है जिसके लिए ये काम करने का वादा करके आए थे, जिनके सामने ये अपने आप को आम आदमी बताकर आए थे, उनकी कोई अहमियत नहीं रह जाती वोट लेने के बाद। अरविंद केजरीवाल ने यही साबित किया अपने पूरे कार्यकाल के अंदर। देखिए, बड़ी बात यह है, हम कोट कर रहे हैं जो अभी उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, योगेंद्र चंदौरिया, पुराने नेता है दिल्ली के अंदर। उन्होंने इस पर एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने असल में ये कहा कि जो जितने भी 5 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली के अंदर, और उनमें बहुत सारा पानी साफ करके उसे पीने योग्य बनाकर रखा जाता है और वहां से पानी आगे सप्लाई होता है, लेकिन वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बनाए हुए हैं उनमें पिछले 9 सालों से इतनी गाद जमा है कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो तल है वो अब कई मीटर ऊपर आ चुका है, लेकिन सफाई नहीं हुई इन सब की। क्योंकि सफाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनके मनवाफिक आदमी को टेंडर नहीं मिल पाया, और जिसको टेंडर मिला गलत आदमी को दिया, उस आदमी के खिलाफ सही आदमी कोर्ट चलेगा और कोर्ट ने रोक लगा। तो वो जो जहां पर पानी जमा किया जाना था दिल्ली के लोगों के लिए, वो अब कई मीटर अपने तल से ऊपर उठ चुका है। हम इस पर आपको एक पूरा बताते हैं, योगेंद्र चंदौलिया किस तरीके से बताते हैं। योगेंद्र चंदौलिया एमसीडी में भी रहे और एमसीडी के जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके भी रहे, काफी उन्हें इस बारे में जानकारी भी है। तो उन्होंने क्या कहा ये बताते हैं। वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 250 MGD पानी को साफ करके स्टोर करने की क्षमता है। एक जो प्लांट है वजीराबाद का, उसमें 250 MGD पानी को साफ करके स्टोर करने की क्षमता है। 2013 के अंदर दिल्ली सरकार ने टेंडर निकाला कि इसमें से गाद निकाली जाए, इसमें बहुत गाद जमा हो गई है। गाद मतलब जो सिल्ट जो होती है वो ऊपर आ जाता है। आपने जो यमुना में जब बाढ़ आई थी तब देखा था, जो ITO ब्रिज के नीचे जो सिल्ट जमा थी, जिसे अब साफ करके उसके दरों को खोला गया है। तो आज 11 साल हो गए, हाईकोर्ट के कहने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है, और यहां पर 94% गाद जमा है, मात्र 15% पानी वहां पर आता है। 250 में से 15% पानी, इतनी गाद जमा हो गई है वहां पर। भ्रष्टाचार के चलते जिस व्यक्ति को टेंडर देना चाहते थे
केजरीवाल एंड कंपनी, तो उसको इन्होंने दिया नहीं, दूसरी पार्टी को दे दिया और जो पहली पार्टी थी वो कोर्ट चली गई। कोर्ट ने इनके ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसको इन्होंने टेंडर दिया था, फिर भी काम शुरू नहीं हो सका। इस कारण ये पूरा मामला उलझ गया, हर बात बात में भाग के कोर्ट जाते, मामला उलझ गया और 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आती सी केवल झूठ बोलने का काम करती हैं। 2013 तक दिल्ली का जलबोर्ड फायदे में हुआ करता था, जलबोर्ड 82,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। सारा पैसा टैंकर माफिया के जरिए शक्तिशाली लोगों तक पहुंच जाता है और आती सी हरियाणा को बदनाम करती है। ये पूरा खेल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता के साथ खेल रही है, सचमुच बहुत भयानक है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस पूरी क्रिमिनोलॉजी को। दिल्ली इन दिनों जल संकट का जिस तरीके से सामना कर रही है, उस पर जिस तरीके से आतिशी मार्लिनो मैडम झूठ बोल रही है, सचमुच वो बहुत शर्मनाक है। दिल्ली में भीषण गर्मी है और ऊपर से पानी की किल्लत, लेकिन पानी की किल्लत का सामना कर रहा है वह लोग बुरी तरीके से त्रस्त हैं और जगह जगह दिल्ली सरकार को कोस रहे हैं। टैंकर का पानी पीने के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है और लड़ झगड़ कर पानी लेना पड़ता है इन टैंकरों से। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी कई बार यूपी और हरियाणा की सरकारों से पानी छोड़ने की मांग कर चुकी हैं। ये मांग इसलिए करती हैं कि यहाँ की सरकारें अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के निशाने पर रहती, इसलिए इनको बदनाम करके अपना पिंड छुड़ा लिया जाए, यानी कि अपनी टोपी इनके सर पर रख दी जाए। ये इसलिए ऐसा ड्रामा करती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। अब तो कोर्ट ने भी इन पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी। अब योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि 890 क्यूसिक पानी छोड़ने का एग्रीमेंट हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में है। हरियाणा द्वारा 1049 क्यूसिक पानी हरियाणा लगातार दिल्ली को देता रहता है और टैंकर माफिया यहां से पानी चोरी करके लोगों को, उसी पानी को चोरी करके लोगों को पैसे में बेचता है और इसका जो कुल पैसा जो टैंकर माफिया का आता है वो सरकार में बढ़ जाता है। ये पूरा गेम है। अब इसमें आप समझिए, इसमें किसी को निशाना बनाया जाए, इसी बात को लेकर योगेंद्र चंदोलिया और वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक FIR दर्ज करने के लिए शिकायत की। अब ये सारा मामला इस तरीके से उलझा हुआ है कि लगभग 11 साल हो गए और 11 साल में जो सिल्ट है, जो गाद है, इसमें 94% गाद जम चुकी है और 94% गाद जो जम गई है, इस वजह से जो दिल्ली के लोगों का पानी है जो पीने के लिए उन्हें दिया जाना चाहिए था, वो किसी भी तरीके से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अलावा जो पानी की बर्बादी हो रही है, यानी कि जगह जगह जो लाइनें टूटी है जिसको लीकेज कहते हैं, LG ने जिस पर सवाल उठाए थे, वो सारे मामले दरअसल है क्या। एक और बात बता दो, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कोई काम आज तक के इतिहास में जब से ये सरकार बनी है बिना कोर्ट के नहीं हुआ है। हर चीज में घोटाला है और हर चीज को, जिस इनके घोटाले को रोकने की जो कोशिश करता है तो भाग के कोर्ट पहुंच जाते हैं, वहां पर ये दुहाई करते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हुए हर मामले में कोर्ट ही जाते हैं। पानी के मामले में भी कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, जो लताड़ा है इनको, उस पर भी ये इतने निर्लज्ज हो चुके हैं कि ये उस पर भी ऐसी टिप्पणी करते हैं। आतिशी मार्लिनो मैडम कहती है कि टैंकर माफिया तो बहुत थोड़ा सा पानी चोरी करता है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, पानी तो वहां से नहीं आ रहा है। क्योंकि इस पार्टी का यह सगल बन चुका है कि किसी भी हाल में अपनी टोपी दूसरे के सर पर रख देते हैं। चोरी को रोकने के लिए अब
मुनक नहर जिसके जरिए हरियाणा से दिल्ली में पानी आता है उस पर अब दिल्ली पुलिस का पहरा है। पानी अभी आ रहा है लेकिन उसका क्या, जो गाद जमा हुई थी जिससे ये सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट साफ किए जाने थे उन ताकि ये और गहरे होते, इनके अंदर 250 MGD पानी इनके अंदर आराम से स्टोर किया जाता, उसका क्या हुआ? सवाल ये है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों का रख रखाव तो इन्होंने नहीं किया और टोपी रख रहे हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों के ऊपर। टोपी रख रहे हैं इसलिए कि भैया जो कुछ गलत हो रहा है वो ये कर रहे हैं। पानी अगर चोरी करने की, चोरी रोकने की अगर एलजी बात कहते हैं तो कहते जी हमारे पुलिस नहीं है। मतलब आप समझिए, नाले साफ करने की कहते हैं तो जी हमें चीफ सेक्रेटरी नहीं बता रहा है। तो भैया आप क्यों बैठे हो, इतनी सुविधाएं क्यों ले रहे हो? क्यों तो आप बंगले लेके बैठे हो, क्यों आप गाड़ियां लेके मौज काट रहे हो, क्यों आप वहां पर बैठे हो? इस्तीफा दो और जाओ। इस्तीफा तो आपका बॉस भी नहीं दे रहा है तिहाड़ जेल के जाने, अंदर जाने के बाद अंदर बैठा हुआ है तिहाड़ जेल लेकिन चिपका हुआ है। ये वो आदमी है जो कभी कहते थे कि जो इस्तीफा है वो तो मैं जूते की नोक पे रखता हूं, अब इतना डरा हुआ है कि भाई साहब इस्तीफा नहीं दूंगा। इस्तीफा देते ही, ये जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ना केजरीवाल साहब, ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा देते ही NIA की जो जांच शुरू हो चुकी है, आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के 133 करोड़ रुपए खाने पर इसके खिलाफ जो जांच है ना, ये सीधा लपेटे में आ जाएगा। उस इस्तीफा देते ही ये एक सचमुच का आम आदमी हो जाएगा। इस्तीफा देते ही जो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील खड़े कर रहा है ना दिल्ली के पैसे से, दिल्ली के लोगों के पैसे से, सब गायब हो जाएंगे। इस्तीफा देते ही ये करोड़ों की गाड़ियों में नहीं घूम पाएगा। इस्तीफा देते ही इसके हाथ से शीस महल छिन जाएगा। बहुत बड़ा ये चालू बन रहा है इस टाइम पे। लेकिन केजरीवाल साहब आपको इस्तीफा तो देना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो आप इस कदर जनता इतना छिड़ जाएगी ना आपसे कि आप कितनी मुफ्त की रेबड़ियां बांटिएगा। अगले कार्यकाल आपके बस की नहीं है, आप नहीं आ रहे, सड़क पे आएंगे आप, फिर धरने प्रदर्शन करेंगे, करते रहिएगा, कोई नहीं सुनता है। जिंदगी गुजर गई आपके धरने प्रदर्शन करते हुए, किसी ने नहीं सुनी थी। ये तो बिल्ली के भागो छीका टूट पड़ा, वो बुजुर्ग आदमी अन्ना हजारे आ गया, उसे क्या घपला सपला करके उसको पटा के आप यहां तक पहुंच गए। दोबारा नहीं होता है, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। अब आपका बाकी जीवन तिहाड़ जेल के अंदर कटेगा। आपके और कई लोग अभी तैयार बैठे हैं तिहाड़ में जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के प्यासे उन लोगों की हाय आपको लग रही है जो लोग आज पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है, हमारा चैनल अच्छा लगता है और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती है, आपको हम कितना समझा पाते हैं, अगर इसके बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर 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 लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं, तो प्लीज़ अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।